हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कंचन। सो यहाँ पर बज रहे होंगे 7 या 7:30। तो वो हो रहे थे, मतलब शू वगैरह पहन रहे थे ड्यूटी के लिए। और आप लोगों ने, काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि आपको उन्हें यूनिफॉर्म पे देखना है पुलिस के। तो इसी वजह से मैंने सोचा चलो आज आपको दिखा देती हूँ पुलिस के यूनिफॉर्म में इन्हें। तो इसी वजह से मैं शूट कर रही थी, तो ये सोच रहे थे कि ये शूट क्यों कर रही है, मतलब वो। हाँ, तो उन्हें मैंने बाद में बताया कि सब लोगों ने रिक्वेस्ट की है कि आपको हाँ यूनिफॉर्म में दिखाने की, तो इसी वजह से मैं आपको दिखा रही हूँ करके। तो यहाँ पर हमारा ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया था, सारी चीज़ें, मतलब एक्चुअली कभी कभी मैं इनके साथ ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, बच्चे उठे हैं उनके, उसके बाद फिर उनके साथ करती हूँ। तो आज मैंने इनके साथ ब्रेकफास्ट कर लिया था, तो इसी वजह से थोड़ा सा मैं भी ब्रेकफास्ट वगैरह, चाय वगैरह हम लोगों ने पी ली थी। एक्चुअली अभी बच्चे ना बहुत लेट उठ रहे हैं आजकल, क्योंकि बच्चों की छुट्टियाँ चल रही है, तो इसी वजह से मैं भी थोड़ा सा लेट ही उठ रही हूँ। क्योंकि बहुत मतलब वो हो रहा था कि पहले पहले ना मुझे, मेरी एक तो नींद पूरी नहीं हो रही थी रात को, और फिर सुबह भी जल्दी उठना पड़ रहा था, तो मेरा ना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था नींद का। तो नींद ही पूरी नहीं होती थी मेरी, तो अभी मेरी थोड़ी सी नींद पूरी हो रही है, क्योंकि रात को अगर जाग रही हूँ मैं तो नींद, मतलब सुबह थोड़ा सा लेट उठ रही हूँ। तो इस तरह से थोड़ा सा हो रहा है कि चलो अच्छा, मतलब अच्छा भी लग रहा है कि चलो बच्चों को छुट्टियाँ हैं, तो थोड़े से काम भी लेट हो रहे हैं। और अभी ना ऐसा हो रहा है कि छुट्टियाँ हैं चलो तो बाय कर लेंगे, कभी भी काम कर सकते हैं, तो बाय। ऐसा हो रहा है। तो इसी वजह से मैं टेंशन नहीं ले रही हूँ। तो यहाँ पर ये चले गए थे ड्यूटी, फिर यहाँ पर ना मैं बच्चों के लिए, मैं इनके लिए उकड़पिंडी और मेरे लिए बनाई थी, बट अभी बच्चों के लिए मैं यहाँ पर बना रही हूँ क्या बोलते हैं, चाउमीन। बच्चों ने चाउमीन की डिमांड की थी एक्चुअली, नूडल्स, तो अभी मैगी नूडल्स जो है वो बच्चे खा खा के बोर हो गए, तो इसी वजह से उन्होंने डिमांड की थी कि आप चाउमीन बना के दो। बट चाउमीन के लिए ना जो चीज़ें चाहिए होती है, मतलब जैसे कि सब्जियाँ वगैरह, कैप्सिकम या जो भी, प्याज वगैरह भी बहुत कम थे घर पे, तो इसी वजह से एक प्याज मैंने छोटा सा काट लिया था, और कुछ भी नहीं था, मतलब घर पे कैप्सिकम भी नहीं थे, और जो भी चीज़ें चाहिए होती है, मतलब पत्ता गोभी वगैरह उसके लिए, तो वो भी नहीं थी। तो इसी वजह से मुझे ना सिर्फ प्याज डाल के ही इसे बनाना पड़ा। तो यहाँ पर मैंने नूडल्स जो है वो बॉईल कर लिए थे, स्ट्रेनर में स्ट्रेन भी कर लिए, उसके बाद थोड़ा सा ऑयल डाल के मैं सिर्फ प्याज ऐड करूँगी, बाकी कुछ भी ऐड करने के लिए नहीं था इसी वजह से। तो प्याज ऐड करूँगी और बाकी का फिर वो ऐड करूँगी, मतलब सोया सॉस और चिली सॉस, रेड चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस और सोया सॉस, ये बाद में ऐड कर दूँगी। तो पहले प्याज होने दूँगी अच्छे से, प्याज को पकने दूँगी, मतलब प्याज जो है थोड़ा सा ब्राउन भी नहीं होने देना है आपको। बट जब भी आप चाउमीन बनाओ ना, उस टाइम आपको इतना ध्यान में रखना है सिर्फ कि आपको फुल फ्लेम पे ये बनाना है, मतलब हाई फ्लेम पे। तो सारी चीज़ें जब भी आप चाउमीन बनाओ तो हाई फ्लेम पे बनाओ। तो सारी चीज़ें मैं इसमें ऐड कर दूँगी, मतलब सोया सॉस, चिली सॉस, रेड चिली सॉस और ग्रीन चिली सॉस ऐड कर दूँगी, और फिर से इसे अच्छे से चला लेना है। इसमें पत्ता गोभी और कैप्सिकम नहीं था सिर्फ, बट अच्छा लगा, टेस्ट अच्छी आई थी। उसके बाद मैं टोमेटो सॉस उसमें ऐड करूँगी, ताकि बच्चों को भी अच्छा लगता है, थोड़ा सा मीठा सा टेस्ट आता है तो इसका, तो टोमेटो सॉस भी ऐड कर दूँगी। टोमेटो सॉस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर दीजिए, और आप पत्ता गोभी अगर है आपके पास तो पत्ता गोभी और शिमला मिर्च ऐड कर दीजिए, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बट बच्चे फिर भी निकाल के रख देते हैं साइड में, तो इसी वजह से यही ठीक है बच्चों के लिए। तो कभी कभी बच्चे खाते नहीं हैं, बच्चे को कितना भी फोर्स करो वो खाते ही नहीं हैं। तो यहाँ पर बन चुके थे हमारे चाउमीन, तो मैंने, बच्चों ने, दोनों ने, तीनों ने तो चाउमीन खा लिए थे फिर उसके बाद। पति लोग आजकल बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं लॉकडाउन में, मेरे हस्बैंड को ड्यूटी करके भी काम कर रहे हैं यहाँ पर, देखो नहीं, मानिए चाय मानिए, और हमने दोनों ने बनाई। दोनों ने नहीं बनाई, आपने बनाई अकेले ने। नहीं, मैं आया उधर से फ्रेश होके, अच्छा, मेरी बिटिया ने बढ़िया से चाय बना दिया। और आपने छान लिया? हाँ, मेरे अच्छा, मुझे लगा बता। आपने बनाई, मैं इधर आई तो फ्रेश होके थोड़ा सा पानी मारा मुंह पे, अभी सोई थी और अभी करने वाली हूँ वर्कआउट, तो चाय पीने का मन कर रहा है मुझे तो, अभी बनाई चाय है पी आपने लो, तो। मैं श्रीकांत को दिखा रहा हूँ। वर्कआउट करने से पहले चाय पी लो, ब्लैक चाय पी टी लो। लेती हूँ मैं अभी तो। इन्होंने बनाई, मतलब देखी मैंने, तो पीने का मन कर रहा है मुझे। आप भी ले लो, चलो कोई जी लो बात अपनी नहीं, जिंदगी भी। अरे चलो।
बढ़िया। ये जो कड़ी घोड़े हैं ये श्रीकांत की मम्मी ने यानी आंटी ने भेजे थे मेरे लिए, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये। सिंपल आप कड़ी पकोड़े वगैरह जैसे बनाते हो वैसे ही दाल के जो गोले हैं वो बनाते हैं लड्डू टाइप, और उसको कड़ी में डाल देते हैं। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं गाइस, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसी वजह से आंटी जब भी बना रही लिए पक्का भेजती है, उनको पता है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसी वजह से मेरे लिए पक्का भेज देती है वो। आज बनाने वाले हैं हम लोग पानी पूरी, ये पैकेट लेके आया है श्रीकांत। और कल से कितने दिनों से, 2-4 दिनों से मुझे ना स्टेटस रख रहे लोग, तो पानी पूरी खाने का बहुत मन कर रहा था, इसी वजह से हम लोगों ने आज, मैंने कल उनको उनको बोला तो श्रीकांत बोला था मैं जाऊँगा पानी पूरी लेके आऊँगा, तो इसी वजह से श्रीकांत लेके आया वो। इसीलिए यहाँ पर जो कुकर चढ़ा है उसमें आलू बॉयल करने के लिए रखे हैं, और बस अभी ये गए थे, सब्जियाँ भी घर पे नहीं थी तो इसी वजह से सब्जियाँ लेने गए थे, तो सब्जी लेके आया है। एक यहाँ पर ही शॉप है, वहाँ पर ओपन था शायद वो, तो इसी वजह से वहाँ से लेके आया है, पास में ही था, नहीं तो मार्केट तो सुबह सात बजे या 6 बजे से पता नहीं, बट सुबह से लेके 12 बजे तक ही ओपन रहता है, नहीं तो फिर उसके बाद बंद हो जाता है हमारे यहाँ पे, बट यहाँ पर पास में शॉप था तो वहाँ से ये लेके आया है अभी। तो हम लोग बनाने वाले हैं पानी पूरी, और पानी पूरी का नाम सुन के ही मुँह में पानी आ रहा है, तो चलिए अभी बनाते हैं और आपके साथ भी शेयर करती हूँ। जो पानी होता है पानी पूरी का, वो बनाने के लिए मैं ना यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि पुदीना लेते हैं, फिर धनिया जो पत्ता होता है वो डालते हैं उसमें, और हरी मिर्च डालते हैं, और ये जो डाल रहा है श्रीकांत तो ये है, और मैंने जीरा पाउडर बना के रखा था वो। और हम लोग ना ऐसे ही करते हैं, मतलब पूरा जो है वो मिक्सी में एक पेस्ट बना लेते हैं और उसको पानी में डाल देते हैं, मतलब तामझाम नहीं करते, फिर ऊपर से नहीं डालना पड़ता है, तो साथ में मिक्सी में ही पीस लेते हैं ऐसे। उसी में नमक डालेंगे, उसी में काला नमक डालेंगे, फिर उसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नींबू सट, ताकि उसमें खटास आने के लिए मतलब थोड़ा सा नींबू सट ऐड करेंगे उसे। ये सारी चीज़ें अगर आप ऐड करते हो ना बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है पानी, पानी पूरी का बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है, आप ज़रूर ट्राई करना पानी पूरी का पानी, क्योंकि हम लोग ऐसे ही बनाते हैं, और बहुत ज़्यादा मतलब बाहर के जैसे पानी पूरी बाहर से भी अच्छी बनती है। और फिर उसमें ही चीनी मिला देते हैं, तो यहाँ पर फिर चीनी मिलाने के बाद इसे मिक्सी में पीस लेते हैं अच्छे से, और उसके बाद पानी में उसे ऐड कर देते हैं वो वाले पेस्ट को। पेस्ट ऐड करने के बाद, फिर टेस्ट करने के बाद ना, अगर आपको पानी में कुछ कम लगता है, जैसे नमक कम लगता है या चीनी थोड़ी सी कम लगती है, ये सारी चीज़ें अगर थोड़ी सी कम लगती है तो आप ऐड कर सकते हो वैसे भी, तो उसके बाद ऐड कर सकते हो, तो थोड़ा सा पहले कम कम ही डालना, उसके बाद आप उसमें क्वांटिटी बढ़ा सकते हो उसकी आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो इस तरह से हम लोग फिर ऐड कर देते हैं पानी में, थोड़ा सा बर्फ़ भी डाल देते हैं, बट आजकल बर्फ़ वगैरह की कोई चीज़ खा पी नहीं रहे हैं, तो इसी वजह से ये ठंडा नहीं पानी, सिर्फ फिल्टर का पानी लिया है, और उसमें जो मसाला है वो ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर श्रीकांत टेस्ट करके बता रहा था, तो थोड़ा सा अच्छा बन गया है बोल रहे थे, लेकिन उसमें नमक और काला नमक थोड़ा सा कम है, तो उसमें उसने ऊपर से ऐड कर दिया फिर, और तब जाके उसका टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा बना था। तो आप इसी तरह से बना के देखिए, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। और हाँ, जो पानी पूरी के लवर है उनको तो बहुत ज़्यादा अभी परेशानी हो रही होगी, क्योंकि पानी पूरी मिल ही नहीं रही है यार, बाहर तो पानी पूरी मिल ही नहीं रही है, लेकिन मुझे तो ऐसे आदत है कि मैं 4-5 दिन के बाद, 8 दिन के बाद मैं पानी पूरी खानी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है पानी पूरी, खानी ही खानी होती है मुझे, तो इसी वजह से मुझे ना याद आ रही थी पानी पूरी की, और वैसे अभी लोग स्टेटस भी बहुत ज़्यादा रख रहे थे पानी पूरी के लिए, तो इसी वजह से ना मुझे मतलब बहुत खाने का मन कर रहा था पानी पूरी। वहाँ पर श्रीकांत ने जो किया ना, आलू को मैश करके उसमें थोड़ा सा प्याज डाला था, और उसमें आप चना बॉईल करके भी ऐड कर सकते हो, मतलब चना बॉईल करना ही चाहिए, बट ये हमारा टाइम पर डिसाइड हुआ था, तो इसी वजह से श्रीकांत लेके आया था ये, तो मुझे पता नहीं था कि श्रीकांत लेके आने वाला है, सिर्फ उसने पहले दिन बोला था कि लेके आऊँगा करके, क्योंकि मैंने इनको बोला था कि मुझे पानी पूरी खाने का मन कर रहा है, तो वो बोल रहा था कि ठीक है मैं लेके आऊँगा। तो आजकल ना पानी पूरी के पैकेट भी नहीं मिल रहे इस तरह से, तो क्योंकि बना ही नहीं रहे बोल रहे थे लोग कि एक जगह पर इसको मिल गया, तो सभी लोग पूछ रहे थे कि कहाँ से लाया है कहाँ से लाया है, तो मैंने स्टेटस रखा था व्हाट्सएप पे, तो सभी लोग पूछ रहे थे कि कहाँ से लाया है ये, तो ये लकीली हमें मिल गया था, मतलब श्रीकांत लेके आया था, पता नहीं कहाँ से लेके आया, नहीं तो उसके ही पानी पूरी बनानी पड़ती थी, मतलब जैसे वो नहीं आते हैं एक पैकेट के आते हैं, उसको घर पे फ्राई करना पड़ता है, डीमार्ट वगैरह पे भी मिलते हैं वो,
और कहीं पर भी मिल जाते हैं, ग्रोसरी शॉप पे भी मिल जाते हैं, तो वो लेके आना पड़ता है और वो फ्राई करके फिर हम लोग पानी पूरी का मज़ा लेते हैं। बट ये जो मतलब ओरिजिनल वाली पानी पूरी है वो मतलब पूरी जो है वो मिल गई थी पैकेट वाली, तो इस वजह से हम लोगों ने काफ़ी मज़े किए, मतलब पानी पूरी खाई। और ये ना ड्यूटी गए थे उस टाइम, तो इसी वजह से ये घर पे नहीं थे, तो उसके बाद वो आए थे तो उनके लिए थोड़े से रखे थे हमने। मैं अप्लाई करने वाली हूँ फेस पैक, तो मैंने सोचा चलो आपके साथ शेयर कर देती हूँ, क्योंकि काफी ज्यादा ऑयली लग रही है मेरी स्किन मुझे, और वेदर भी चेंज हो चुका है ना, तो इसी वजह से थोड़ा सा ऑयली हो चुका है फेस, तो मैं सोच रही हूँ चलो फेस पैक अप्लाई कर देती हूँ। इसके लिए मैंने ली है एक कटोरी, और उसमें मैं ऐड कर रही हूँ ये मुल्तानी मिट्टी, थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी लेनी है जितनी आपको फेस के लिए लगेगी, और उसमें ऐड कर रही हूँ मैं ये गुड वाइब्स का रोज पेटल पाउडर। ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, इसी वजह से इसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है, और इसी वजह से मैं ना काफ़ी फेस पैक में इसे यूज़ करती हूँ। आपने देखा होगा, अगर मेरे फेस पैक आपने देखे होंगे, तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ रोज पेटल पाउडर ये गुड वाइब्स का, बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे ये। उसके बाद मैं उसमें यूज़ करूँगी, थोड़ा सा ऐड करूँगी रोज़ वाटर, और यहाँ पर मैं ले रही हूँ गुलाबरी का रोज़ वाटर, थोड़ा सा रोज़ वाटर इसमें ऐड करूँगी, मतलब अपना फेस पैक बन जाए इतना। और उसमें मैं ऐड करूंगी ये गुड वाइब्स का लेमन एसेंशियल ऑयल। उधर अद्विक चिल्ला रहा है जोर जोर से, मस्ती कर रहा है वो। लेमन एसेंशियल ऑयल यूज करूंगी इसमें, इसके 3 to 4 drops लेने हैं आपको, 1 2 3 4, बस इतना ही, ज्यादा ड्रॉप नहीं लेने हैं आपको इसके, क्योंकि थोड़ा सा अगर आप इसको ज़्यादा डाल दोगे ना तो थोड़ा सा जलन होगा, मतलब ये प्योर एसेंशियल ऑयल होता है, इसी वजह से इसे कभी भी आपको स्किन पे डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना होता है, किसी ऑयल में यूज़ करो या फेस पैक में यूज़ करो, तो इस तरह से आपको इसे यूज़ करना होता है। और बस मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी फेस पैक को और लगा लूँगी। मेरा ब्रश भी नहीं दिख रहा है यार, कब से मैं ब्रश ढूंढ रही हूँ, ब्रश भी नहीं दिख रहा है, कहाँ रख दिया मैंने पता नहीं, तो इसे मैं अभी फिंगर की हेल्प से ही अप्लाई करूँगी। अच्छे से मिक्स कर लेना है फेस पैक को, और फिंगर की हेल्प से अच्छे से अप्लाई कर लेना है। बस इसे ड्राई होने तक वेट करूंगी और उसके बाद इसे वॉश कर लेना है। अद्विक क्या बोल रहा है, देखो अद्विक मैं कैसे दिख रही हूँ, अच्छी दिख रही हूँ, भूत दिख रही हूँ, अभी तो आप बोल रहे थे भूत दिख रही हूँ, थोड़ी देर पहले बोल रहा था मम्मा भूत का आवाज भी निकालो, हाँ ना आवाज भी निकालो बोल रहा था भूत का, क्या आवाज भी निकालो, मैं कैसे दिख रही हूँ बता, अच्छी दिख रही हूँ, मेरे पास घंटी है असली असली वाली, बाकी तो पापा क्या पापा के घर में ये आग है, आग है पापा के घर में आग है, मेरा घर ना चटका है, चटका है, अच्छा चटका लगता है पापा के बंदूक से, और आपकी बंदूक से ठंड लगता है, ठंडा ठंडा लगता है इसके बंदूक से, और पापा के थर 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 थर, अच्छा अच्छा थर 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 लगता है, और पापा के बंदूक से आग लगती है, चटका, अच्छा चटका लगता है, फ्राई होने का वेट कर रही हूँ, जल्दी सूख जाएगा लेकिन, क्योंकि अभी मौसम ऐसा है कि थोड़ा सा गर्मी टाइप को, कोरोना कोरोना कर रहा है, अभी गर्मी भी हो रही है, और कल तो बारिश हुई यहाँ पे, कल तो रात को काफ़ी देर तक बारिश चलती रही। हाँ दीदी परफ्यूम मार रही है आपको, माही ने परफ्यूम की बॉटल में डिटॉल स्प्रे डाला है और मारती रह रही है हमेशा, पास ही रख रही है माही तो, ये सैनिटाइज करने के लिए हमेशा हमेशा स्लिप स्लिप। चलिए ड्राई हो जाने के बाद मिलती हूँ आपसे, मतलब वॉश करने के बाद, क्योंकि इसे सिंपल पानी से ही वॉश करना है, और उसके बाद मिलती हूँ आपसे, इसका रिजल्ट भी आप देख लेना। देखिए कितना फ्रेश लग रहा है, पता नहीं कैमरा में दिख रहा है या नहीं, क्योंकि रात का टाइम है, बहुत ज़्यादा फ्रेश लग रहा है मुझे, और स्किन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है,
तो भाई ये सारी चीज़ें हैं, तो आप ये वाला फेस पैक अप्लाई कर सकते हो, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है इसका। हो गई हूँ फ्रेश, फ्रेश मिस क्या थोड़ा आपको अभी कैसा लग रहा है बताइएगा जरूर। और मैंने टॉप चेंज कर लिया क्योंकि दिखाओ ना। क्या दिखाओ दीदी को? माही चेयर क्यों गिरा दी? हाँ चेयर क्यों गिरा दी माही? मैंने टॉप चेंज कर लिया क्योंकि गीला हो गया था पूरा फेस वॉश करते करते। कुछ नहीं चेज, तो इसी वजह से मैंने ये यहाँ पर गीला हो गया था पूरा चेज के पास, तो अगर गीला रहता तो थोड़ा सा वो जुकाम वगैरह होने का डर रहता है, तो इसी वजह से मैंने चेंज कर लिया। और हाँ अभी फेस कैसा लग रहा है ज़रूर बताना। मैंने थोड़ी सी लिपस्टिक अप्लाई कर लिया। अभी बज रहे हैं 11 और ये अभी ड्यूटी से नहीं आए हैं, मतलब ड्यूटी गए हैं और ड्यूटी से अभी तक नहीं आए हैं। तो चले फिर मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। इधर खिलौने, इतने सारे खिलौने इसने गिरा दिए पूरे बॉक्स में। हाँ एक मिनट, पूरे गिरा दिए अद्विक ने, है ना? अद्विक ने गिरा दिए पूरे, निकाल दिए बॉक्स में से। मम्मा तुम मुझे ना दिखाओ। दीदी हाय बोल दो। हाय खिलौने। हाँ आज मम्मा दिखा लिया। हाँ यहाँ पर सामने से दिखा रही हूँ। ठीक है बाय। अभी एंड करने का टाइम हो गया है ब्लॉग को। हाँ ठीक है, एक मिनट एक मिनट। चलिए फिर मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में। आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया हो, अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने नहीं किया है तो। और आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उस पर मैं प्रोडक्ट के रिव्यूज, ब्यूटी रिलेटेड टिप्स, वीडियोज, हॉल वीडियोज, मेकअप वीडियोज इस तरह से डालती रहती हूँ। और आप में से कोई अगर मराठी मुझे देख रहे हैं तो मेरा एक मराठी ब्लॉग चैनल भी है, तो आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लस इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय।